नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला। आज बहुत ही ज़्यादा जो सेंसिटिव मुद्दा इस समय चल रहा है कट ऑफ का, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के, अभी कल एक आंसर की भी आ गई ऑफिशियल आपके, हालांकि मास्टर के दिए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि कैसे मिला है, तो बहुत सही आंकड़ा उसका आ नहीं पा रहा है, वो मैच कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कट ऑफ के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हैं और परेशान होना भी चाहिए। बहुत सारे, अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी है ना, उस वीडियो में बहुत सारे ऐसे कमेंट रहे, बच्चे परेशान हैं, लगातार ये पूछ रहे हैं सर मैं सेफ हूँ कि नहीं सेफ हूँ। तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूँगा, आज जो मैं लेके आया हूँ वो कट ऑफ बताने नहीं, मैं आपका कट ऑफ एनालिसिस करने आया हूँ, और ये एक बहुत ही मैथमेटिकल एनालिसिस, ऐसा बोल सकते हो एकदम साइंटिफिक एनालिसिस करके हम लोग एक, और वो भी केवल मेरा नहीं, आपके द्वारा ही दिए गए आंकड़े, वो भी केवल एक जगह नहीं, विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे जितने भी टॉप संस्थान हैं, जहाँ ऐसा बोल सकते हैं जिनके पास कम्युनिटी ज़्यादा है, आप लोगों में सब्सक्राइबर्स की संख्या ज़्यादा है, उन सभी लोगों ने जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पोल किए हैं या उनके जो सर्वे हैं, उन सर्वे के सभी के समग्र रूप से एक साथ मिला के जो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, वो मैं ऐसा नहीं कि मैं पहले से करके आया हूँ, कुछ एनालिसिस यहाँ पे हम लोग आपके साथ ही करेंगे 10-15 मिनट में, और खुद आप रिजल्ट पे निकलोगे कि एग्जैक्टली ये कट ऑफ क्या जा सकती है, आंकड़ा क्या बोल रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमारे पास एक नहीं दो नहीं, जब नंबर्स ऑफ हमारे पास डेटा होते हैं, कई सारे डिफरेंट डेटा होते हैं, उसमें वर्सटिलिटी होती है, तब हमारे पास आंकड़े थोड़ा ज़्यादा सटीक भी जाते हैं, और ऐसा हमने पहले भी करके देख लिया है, जूनियर असिस्टेंट जैसी परीक्षा में एग्जैक्टली कट ऑफ फंसा भी दिए हैं। खैर, आज अभी मैं पहले बता दूं कि ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए, जो कट ऑफ एनालिसिस है वो आपके द्वारा ही दिए गए विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जो पोल किए हो, इन्हीं के आंकड़ों के बेसिस पे हम लोग कुछ एनालाइज करेंगे और एक रिजल्ट पे पहुंचेंगे। आंकड़े जो कह रहे हैं उसे आप साफ साफ देखो, जहां पे मैं उन प्रायोरिटी वाइज आपको दिखाता चलूंगा, उन सारे कोचिंगों का कोचिंग के नाम भी आपको दिख रहे हैं, है ना, ये सारे वही कोचिंग है जिनपे आपका एक विश्वास है, बहुत सारे बच्चे विश्वास करते हैं, और उन्हीं विश्वास के आधार पे मैं केवल उनको एनालाइज करके आपके सामने जो ऊहापोह की स्थिति है उसे एक रास्ता देने आया हूँ, एक मार्गदर्शन देने आया हूँ कि आप लोग के अंदर जो भटकाव है वो शांत हो और आप लोग मैच्योर माइंड के साथ अपने आगे की तैयारी में लगे, चाहे वो आपकी लेखपाल की हो, चाहे आपकी अन्य कोई परीक्षा हो, या फिर आपकी कोई विभिन्न परीक्षा हो, उसकी तैयारी के लगे जब आपका दिमाग का माइंड ऑफ द स्टेट क्लियर हो। ये कोचिंग मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप उसे देख सकते हो। इस पे अगर देखा जाए यहां पे, हाँ, 248,000 यानी कि लगभग 2.5 लाख बच्चों ने पोल किया है, और ये पोल मैंने ओपन करके भी आपके सामने लेके आए हैं। 50 से कम 15% बच्चे हैं, अगर इसे हम रियल डेटा में एनालाइज करें तो 15, 25, 75, ये आप समझ सकते हो कि लगभग 7,500 बच्चे 50 से कम आ रहे हैं। 50 से 55 में भी 15% है, 7,500 है, लेकिन अगर इस आंकड़े को देखा जाए, और ये नहीं, हम इस आंकड़े को देखें जहां पे 65 के ऊपर का आंकड़ा आपके आंखों के सामने चल रहा है, इन्हें अगर हम लोग यहां पे थोड़ा सा देखें तो 65 से ऊपर इस रोजगार विथ अंकित, चलो नाम भी लेता हूं, आप लोग काफी ज्यादा विश्वास भी करते हो इस पे, जिनमिन भी है, मैं ये बात भी यहाँ पे बोलूंगा, तो 65 से ऊपर 40% से ज्यादा बच्चों ने पोल किया है। अगर हम 40% ये समग्र रूप से मैथमेटिक्स जिसकी भी स्ट्रांग होगी, ये 40% किसका रिफ्लेक्ट करता है, ये 2.5 लाख का रिफ्लेक्ट करता है, 248,000 का रिफ्लेक्ट करता है। मतलब आप सीधा अगर यहाँ पे डेटा निकाल दो, तो अगर हम इसे 2.5 लाख मान लें तो 25×4 यानी 1 लाख, मैं कहता हूँ कि चलो 95,000 बच्चे, ना 1 लाख मानूं मैं, 95,000 बच्चे ऐसे पोल किए हैं जो 65 से ऊपर अपना अंक पा रहे हैं। एक बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि लेखपाल जैसी परीक्षा में 15 गुना आयोग ने बात की है कि बुलाएगा, 1,18,000 केवल आने हैं। यहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या आंकड़ा होना चाहिए, और ये आंकड़ा केवल 2.5 लाख का है, जबकि अगर एग्जाम में बैठने वालों को देखा जाए तो 16 से 17 लाख के संख्या में, ये जो काउंट है वो 16 से 17 लाख में है, इतने बच्चों ने परीक्षा दी थी। खैर, हम इसे थोड़ा और ओपन करेंगे। ऐसा कई बार होता है कि कोचिंगों में बच्चे एग्जैक्टली अपने आंकड़े नहीं देते, बहुत सारे मस्ती के मूड में होते हैं, बहुत सारे अनाप शनाप कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इस पीईटी की परीक्षा से कोई मतलब नहीं था, वो शायद किसी अन्य परीक्षा, पुलिस भर्ती, दिल्ली पुलिस भर्ती बोर्ड या किसी और भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने पेपर नहीं दिया, लेकिन फिर भी क्योंकि चैनल पे पोल आया तो पोल करना उनका अधिकार था, उन्होंने उसे टच कर दिया, और सबसे अच्छा फिगर अपने आप को ज्यादा कूल दिखाने के लिए 65%
65 से ऊपर ही करते हैं वो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं 95,000 में, लेकिन मानते हैं ऐसे कितने बच्चे होंगे, 10 से 15% बच्चे होंगे। एग्जैक्टली 10 से 15%, अगर हम इसे 10% निकालें तो करीबन 9,500 आएंगे, और अगर हम 5% और जोड़ दें तो 4,500 लड़के और आ जाएंगे, मतलब कि 13,500 लड़के इनमें से और माइनस कर दो तो भी आपके लगभग 82,000 लड़के क्या होंगे, 82,000 लड़के आपके 65 से ऊपर पा रहे हैं, अंक पा रहे हैं। हालांकि ये आपका 6 days before का है, ये ऑफिशियल से नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि ऑफिशियल आंसर की और कोचिंगों द्वारा तमाम संस्थान द्वारा निकाली गई आंसर की में ज्यादा अंतर नहीं है, 1-2 questions का फर्क पड़ता है, वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बहुत सारे बच्चों के सही भी हैं, बहुत सारे बच्चों के गलत भी हैं, तो 1-2 numbers पे वहां पे बहुत ज्यादा टॉलरेंस नहीं बैठेगा। हम अगर इस आंकड़े को ले लें तो 80,000 ले सकते हैं, उसका भी आंकड़ा ले लें, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज नहीं करेगा। तो ये बता रहा है आपका कि 80,000 बच्चे अगर देखा जाए तो कितने हैं, 65 से ऊपर हैं। अभी यही नहीं, और भी अलग 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 हम कोचिंग संस्थानों की बात करें जहां पे बच्चों अपने विश्वास के साथ और बहुत पहले से भी जुड़े हुए हैं और अच्छे बच्चे भी जुड़े हुए हैं, मैं इस बात को भी बोलूंगा। ये टारगेट विद आलोक जो जानी मानी कोचिंग है उसका नाम है, ऑनलाइन संस्थान है, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, आपका अटूट विश्वास भी है, सब लोग जानते हो। तो इसका आंकड़ा क्या कह रहा है, इसका आंकड़ा कह रहा है इन्होंने क्या किया, इन्होंने 50+65+75+80+ यानी कि 10-10 के सेगमेंट में इन्होंने डिवाइड किया। थोड़ा सा मैं बोलूंगा इस TWA की टीम में कि इन्होंने थोड़ा सा पोल अपना गलत बिठाया, और ये एक वीक एगो मतलब लगभग 7 days before मतलब जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन लगभग इन्होंने पोल कर दिया था, तो ये आंकड़ा उतना ज्यादा अच्छा तो नहीं हो सकता है अगर हम लॉजिकली सोचे तो, क्योंकि जब एग्जाम से बच्चा पेपर देके आता है तो उसका कॉन्फिडेंस हाई होता है, उसे लगता है कि हमारा 85 सही है, हमारा 90 सही है, लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाता है उसको गलतियां समझ में आती जाती है, गलतियां मिलती जाती है, और उसका स्कोर धीरे धीरे कम होता आता है। अगर हम यहां पे देखें और 65 प्लस स्कोर को समग्र रूप से देखें तो 65 प्लस स्कोर यहां पे 28% है, 75+18% है, अब यहीं पे हो सकता है, अब देखो 80+32% है, थोड़ा सा यहां पे गलत है, 80+32 कैसे 35% कैसे हो सकते हैं जबकि 65 प्लस केवल 28% है, बात समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा रिडंडेंट लग रहा है, लेकिन अगर फिर भी हम इसे इवेल्युएट करके छोड़े तो ये लगभग 65 प्लस के ऊपर देखा जाए तो 32 और 28 कितना हो गया, 40, 20, 60 और 78% तो इनकी कोचिंग के बच्चे बता रहे हैं कि हम ज्यादा पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये बहुत दिन पहले का है तो इसे इसका जो परसेंटेज हम लेके चलेंगे इसमें हम 30% मान के चलेंगे या 40% क्या होगी वैल्यू, ये गलत वैल्यू होगी। अभी हम इस 78% में सीधा सीधा अगर 28% माइनस कर दें तो बचा 50%, और अगर 10% और माइनस कर दें या टोटल हम 38% माइनस कर दें, बहुत सेफ जोन में मैं लेके चल रहा हूं कि इतना 40% आंकड़े इसमें गलत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि 40% गलत ही हो सकता है आंकड़े सही भी हो, लेकिन फिर भी क्योंकि डेट जो बोलती है और उस समय का जोश जो बच्चों का बोलता है वो बोलता है कि इसमें से हम 38% आराम से माइनस कर सकते हैं 40% केवल ने, और 40% में अगर देखा जाए कितने बच्चों ने पोल किया है, 81,000 बच्चों ने पोल किया है, और 81,000 वो आप ही लोग हो, और इस बात को भी आप अच्छे से समझते हो कि ये वीडियो 2-3 मिनट ज्यादा लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आप बहुत इत्मीनान से समझिएगा, एनालिसिस बहुत ही किफायती और ये आपके दिमाग के सोच पे ही है, एग्जैक्टली मैं आपकी तरह से ही कर रहा हूं, है ना, कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये थोड़ा सा भी हम लीग से हट रहे हैं। तो अगर हम इसे 81,000 का 80,000 ही मान लें और 80,000 में अगर हम केवल 40% निकाल लें तो 80,000 के 40% कितना हो जाएगा, 32,000 बच्चे क्या हो जाएंगे यहां पे 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी वहां पे इससे पहले जो हम लोग देख रहे थे रोजगार विद अंकित में 2.5 लाख के आंकड़े में, वहां पे हमने 80,000 का फिगर लिया और यहां पे हमने 32,000 का फिगर लिया, अभी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि इस 80,000 और 32,000 में बहुत सारे बच्चे कॉमन होंगे, बहुत सारे बच्चे वही बच्चे विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इधर उधर टहलते रहते हैं, कोई किसी एक जगह नहीं टिकता, ये बात मुझे भी पता है, ये बात सभी टीमों को पता है, ये बात आपको भी पता होगी, आप खुद जानते हो अपनी आदत, कभी ये चैनल देखते हो कभी वो चैनल देखते हो और आप आजाद हो, अच्छी बात भी है ना, हमेशा अपने लिए बेटर का ऑप्शन तलाशते रहना चाहिए। तो 80,000 और 32,000 में मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा अगर ये हो जाएंगे
तो 50% बच्चे क्या हो जाएंगे, म्यूचुअल हो जाएंगे। फिर भी कम वाले का अगर 50% इधर हम लेके आ जाएं तो 16,000 बच्चे करीबन इसमें हम और ऐड कर देंगे, 16,000 बच्चे और ऐड कर देंगे, यानी 96,000 बच्चे 65 प्लस। अभी कितने आंकड़े में केवल कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसको म्यूचुअल ले लिया है, इसी अभी आप समझते हो ना, इसी सबसेट के अंदर एक दूसरा सबसेट ले लिया है, समझ रहे हैं बात को। ये अगर RWA है तो TWA को उसी के अंतर्गत ले लिया है, और हमने मान लिया कि ये 16,000 इसी में सम्मिलित हैं, और अगर केवल एक्स्ट्रा जो आए, एक्स्ट्रा 16,000 ये यहां पे आए, तो ये 16,000 अगर मिला लिया जाएगा तो 96,000 हो जाएगा, और 96,000 अभी भी कितने में हो जाएगा, 81,000 ये और 2,50,000 ये, यानी कि कितना हो जाएगा, 3,20,000, है ना, 3.2 अगर ऐसा देखा जाए, या 3,20,000 में देखा जाए, तो उसमें कितने बच्चे हैं, 96,000 बच्चे ऐसे हैं जो 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अभी आप 3,00,000 का और 1,00,000 का अगर देखोगे तो 33% बच्चे सीधा सीधा ऐसा निकल रहे हैं कि कितने हैं, 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। यही नहीं, अभी मैं कुछ कोचिंगों का आपका आंकड़ा और दिखाता हूं, जो और भी कुछ छोटी मोटी कोचिंगें हैं जिनके पास कम्युनिटी है या अपने अपने ऑफलाइन में अच्छा हमेशा परफॉर्म करते रहे, जैसे एक सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी आपके इलाहाबाद की ही कोचिंग है, है ना, इनके पास भी क्योंकि बच्चों ने ज्यादा संख्या में 38,000 ज्यादा संख्या में वोट किए हैं, तो इसलिए मैंने ये आंकड़ा उठा लिया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी 10-10 के फिगर में क्या किए हैं, डिवीजन किए। ये गलत है, क्यों गलत है, पहली बात मैं ये समझाता हूँ, क्योंकि जो आपका ये पीटी का एग्जाम है, यहाँ पे जो डेंसिटी है वो बहुत कम नंबर पे बहुत ज्यादा है। आप ऐसे समझो, एक एक नंबर पे 20-20,000 बच्चे, 20-20,000 बच्चे लाई कर रहे हैं, तो 10-10 नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा डेटा क्या करता है, कलेक्ट नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पाएगा। हमें यह मानना होता है कि अगर हम 71 से 80 के बीच में देख रहे हैं और 14% है, तो इसमें 10% बच्चे 71 से 75 के बीच में होंगे, 4% बच्चे 75 से 80 के बीच में होंगे, अगर हम बहुत सेफ एनालिसिस करें तो, हम बहुत ज्यादा वैल्यू को क्रिटिकल ना बनाएं तब की बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहां पे देखें तो 65 प्लस कितना आ रहा है, आप देखो ये 91 से 98% 65 प्लस है, बोलो हाँ, 81 से 90 65 प्लस है, बोलो हाँ, 71 से 80 भी 65% से प्लस है, बोलो हाँ, 14, 4, 18, 18 और 5 23% ये हो गया, लेकिन 61 से 70 में 26% है। मैं कह रहा हूं इस 26 में 15% 65 से बिलो होंगे, और 5, 6, 5, 11% मैं कह रहा हूं केवल 10% ले लो, केवल इसमें 10-16% 65 से बिलो होंगे और 10% 65 से 70 के बीच में होंगे, तो ये 10% अगर इधर ले लो तो कितना हो जाएगा, 23-10, 33% अगर हम इनका निकाल लें, चलो थोड़ा और सेफ खेलें, केवल 30% निकाल लें, तो ये 30% 38,000 का, यानी 4, 3, 12, 11,000 समथिंग, अगर यहां पे देखा जाए तो 11,000 समथिंग बच्चे ऐसे हैं जो 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। और फिर से एक हम एक वेन डायग्राम बनाएं तो कुछ बच्चे यहां पे क्या होंगे, कॉमन हो जाएंगे, लेकिन कुछ अलग होंगे। यहां पे हमने 16,000 उनका आधा अलग कर दिया था, चलो यहां पे 11,000 है, हम यहां से 4,000 एक्स्ट्रा ले ले रहे हैं, और यहां पे 80,000 थे, यानी कितने हो गए टोटल, 1,00,000 बच्चे कितने हो गए, 1,00,000 बच्चे आपके 65 प्लस पे स्कोर कर रहे हैं। आंकड़ा कहां पे पहुंचा है, 3,20,000 और 40,00,000, यानी 3,60,000 में, 3,60,000 में अगर आप देखो तो करीबन 1,00,000 बच्चे, 1,00,000 बच्चे क्या कर रहे हैं, यहां पे 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। आप इस थोड़ा सा आपको क्रिस्टल चीजें क्लियर हो रही होंगी। यही नहीं, एक कोचिंग और भी है मालवीय क्लासेस से, क्योंकि 20,000 बच्चों की संख्या में यहाँ पे भी थे, अभी यहाँ पे भी इन्होंने 10-10% के फ्रेगमेंट में किए, थोड़ा सा गलत ये भी कि 5-5 में करते तो पिक्चर और भी क्लियर होती, लेकिन फिर भी हम अपनी समझ से करते हैं। 65 से ऊपर देखें तो यहां का आंकड़ा थोड़ा देखा जाएगा, ये 16% में 10% 65 से नीचे और 6% 65 से ऊपर दे दें, तो 6% यहां का ले लो, 10% यहां का ले लो, 11% यहां का ले लो, तो 16 और 11 कितना हो गया आपका, 26 और 27% हो गया। 27% को भी अगर हम कम करके केवल 25% बच्चों को ऐसा माने कि बहुत सेफ खेल रहे हैं, आप समझिएगा 65 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 20,000 का 25% कितना हो जाएगा, यहां पे 1/4 यानी कि 5,000 बच्चे हो जाएंगे। और इस 5,000 में मैं फिर से कह रहा हूं कि उन आंकड़ों में ओवरलैप कर रहे होंगे, और यहां से केवल हमें 2,000 एक्स्ट्रा मिले या 3,000 एक्स्ट्रा मिले, तो यहां पे अगर हम 2,000 और जोड़ दें
होंगे तो 2000 यहां पे हो जाएंगे, समझिएगा। तीसरा एक है जो अभी थोड़ा नया चैनल है, लेकिन बच्चे यहां पे भी विश्वास ज्यादा कर रहे हैं, अच्छा चैनल है, इसको भी हमें कंसीडर यहां पे, ये पोल इसका ओपन नहीं है, इसका पोल, चलिए ठीक है, मेरे पास इसके आंकड़े हैं तो मैं बता दूं इसका पोल क्या था। करीबन 28% बच्चे जो थे, है ना, 28% बच्चे ओवरऑल, इसका पोल आप ओपन करके खुद देख लीजिएगा, नहीं होगा दिक्कत, तो 28% से ज्यादा बच्चे यहां पे क्या है, 65 से ऊपर पाए हैं। इस 28% को रिड्यूस करके 25% मानते हैं, और इस 25% में, इस 25% किसका, 16000 का, तो 1/4 यानी कि 4000, और 4000 में कॉमन वैल्यू हम केवल 1000 लें तो 1,03,000 में 1000 और जोड़ दो, बहुत सेफ खेल रहे हैं, यानी 1,04,000। और जो हमने ये कॉमन वाला जोड़ा, हम बोल रहे हैं कि सभी का समग्र रूप से ये 4000 आंकड़ा गलत होगा, तो भी 1,00,000 बच्चा सीधे सीधे 65+ स्कोर कर रहा है। किसमें स्कोर कर रहा है, कितने लोगों में, 1,00,000 उधर और 2,50,000 उधर, 80,000 यहां पे हो गए, यानी कि 2,50,000 किए थे, और अगर 80,000 यहां पे तो 3,30,000 हो गए, 3,30,000 और 40, 3,70,000 हो गए, 3,90,000 हो गए, 3,90,000, 4,10,000, 4,15,000 बच्चों में, 10 से 15,000 बच्चों में 1,00,000 बच्चे। अभी इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा एनालिसिस और डीप हम लोग जाते हैं, बहुत आराम से सुनिएगा। 4,15,000 बच्चों में से करीबन 1,00,000 बच्चे काट पीट के हमें क्या मिल रहे हैं, और ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये वो आंकड़ा है जो आपने दिया है, आप जैसे बच्चों ने दिया है, और एक जगह नहीं दिया है, आपने विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे दिया है, जहां पे आपका अटूट विश्वास रहा है वहां पे आपने दिया है, और उसकी एनालिसिस में आपके सामने करने लेके आया हूं। ये ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, ऐसे बच्चे 65+ स्कोर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कितना स्कोर कर रहे हैं, 65 स्कोर कर रहे हैं। फॉर्म कितने भरे थे, फॉर्म भरे थे लगभग 20,00,000, हम मान लेते हैं कि 16,00,000 एग्जैक्ट, कितना, 16,00,000 बच्चों ने अगर पेपर दिया होगा तो 16,00,000 का ये केवल 25% का आंकड़ा हमारे पास है, अभी भी हमारे पास 75% का आंकड़ा नहीं है। और यहां पे कुछ बात आपको ध्यान देने वाली होगी, क्या ध्यान देने वाली होगी, आंकड़े किसके नहीं आए, आंकड़े सबसे ज्यादा किसके आए, जब हम, आप में से सबसे ज्यादा पोल कौन में पार्टिसिपेट करते हो, वो जो कहीं ना कहीं बाउंड्री पे होते हो, जो डर रहे होते हो, जो ऐसा लग रहा होता है कि शायद हमारा क्या होगा, लेखपाल में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, वो विभिन्न विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जाते हो, हर जगह का कट ऑफ देखते हो, वहां पे पोल करके आते हो, तो ये वो बच्चे हो जो कहां पे लाई कर रहे हो, जो 50 से 60 के बीच में, या बिलो 50 भी बोल सकते हैं, जो पोल करने वालों का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है यहां पे होता है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पीटी एक ओपन टू ऑल परीक्षा थी, एक अधीनस्थ की परीक्षा थी, जहां पे हर प्रकार का बच्चा बैठा, चाहे वो बीटेक बैकग्राउंड का हो, चाहे वो किसी अन्य प्रोफेशनल डिग्री बीसीए एमसीए का हो, चाहे वो सिविल एस्पिरेंट हो, या फिर किसी अन्य ग्रेजुएशन किसी अन्य बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, अंग्रेजी माध्यम का हो या हिंदी माध्यम का हो या फिर किसी टेक्निकल अन्य माध्यम का हो, वो सभी बच्चा अधीनस्थ की वैकेंसी में बैठा है, फॉर्म भरा है पीटी का, क्योंकि वो चाहे जेई की तैयारी कर रहा हो, वो चाहे कहीं मेट्रो की तैयारी कर रहा हो, सारे बच्चों ने क्या किया है, फॉर्म भरा है, लेकिन वो बच्चे पोल करने नहीं आते, क्यों, क्योंकि उनको इस सोशल मीडिया से फर्क नहीं होता, उनका मेन कंसर्न क्या होता है, उनका मेन कंसर्न होता है उनका फील्ड, टेक्निकल फील्ड, और जब वो टेक्निकल फील्ड होता है तो उनका इंटरेस्ट भी टेक्निकल फील्ड होता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप सभी लोग जानते हो कि जितना गूगल हुआ, यूट्यूब हुआ, जितने भी सोशल मीडिया, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस पे वर्क करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करते हैं, आपको वही दिखाते हैं जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे होते हो, जहां पे आप एक बार चीजें देख लेते हो उसी चीज का कंटेंट आपको दिखाने लगता है। तो ये पोल भले ही किसी इन संस्थानों पे दिया गया हो, लेकिन उनको नहीं शो किया और ना ही वो ढूंढने आए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट पीटी में नहीं था, उनका इंटरेस्ट अपनी टेक्निकल फील्ड में था। स्टिल वही बच्चे होते हैं जो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, ये भी उतना ही सत्य है, इस बात से आप भी वाकिफ हो और हमें भी पता है और सभी को पता होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि सबसे जो ज्यादा रिजल्ट देने वाले होते हैं यही टेक्निकल बैकग्राउंड या बीटेक वाले या सो कॉल्ड बीसीए एमसीए या और अन्य प्रोफेशनल या सिविल एस्पिरेंट जो होते हैं वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन वो पोल में पार्टिसिपेट करने नहीं है। कहने का मतलब कि अभी जो हमारे पास, आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो हमारे पास दो आंकड़े आए, एक 25% का आंकड़ा आया, एक हमारे पास 75% का आंकड़ा नहीं आया, इस 25% में जिन्हें डर है, जो पीईटी के लिए इंटरेस्ट
इंटरेस्टेड थे उनके मैक्सिमम पोल हैं, और जो इंटरेस्टेड नहीं थे उनके मिनिमम पोल है। जबकि इस 75% का भी अगर आंकड़ा आ जाए तो इसमें जो नॉट इंटरेस्टेड है पीईटी में उनके आंकड़े ज्यादा आएंगे, और जो इंटरेस्टेड हैं वो क्योंकि यहां पे दे चुके हैं तो इनके आंकड़े यहां पे क्या आएंगे, कम आएंगे। तो जब 75% को अभी फिर से इधर मिला लिया जाए, 4 लाख का हमने आंकड़ा लगभग निकाला, और अभी 4 लाख का आंकड़ा निकाला, इसे अगर हमें 16 लाख पे टेंड करना है तो गुणे चार करेंगे। मैं कह रहा हूं कि ज्यादा बच्चे यहां पे आएंगे, फिर भी हम बहुत सेफ। अभी मेरा जो आंकड़ा कहता है वो कहता है कि इस 75% का कम से कम 60% बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो पीटी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, जिनका काम था पेपर देना, पेपर दिए, स्कोर किए और निकल गए। अब उन 65% में से कम 10-12-15% ऐसे होंगे जो अच्छा स्कोर किए होंगे। मैं उन 10-12% को भी नहीं ले रहा हूं, मैं केवल 5% को ले लूं, इससे कम आंकड़ा मैं क्या ले लूं, आप बता दो। अगर मैं यहां पर गलत हूं तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि हां सर जी आप यहां का एनालिसिस यहां पर गलत है, बिल्कुल मैं मान लूंगा, हो सकता है मैं उतना ना सोच पा रहा हूं जहां पर आप सोच रहे हो। आप हजारों की संख्या में होते हो, आप हजारों का दिमाग एक जगह काम करता है, मैं अकेले सोच रहा हूं तो हो सकता है नहीं सोच पा रहा हूं, लेकिन जहां तक टीम की एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस है, इन 75% में मैं कितना भी कट कर लूं, मैं 5% ज्यादा नेगलेक्ट नहीं कर सकता जो 65+ यहां पे स्कोर किए होंगे। और ये कितने हैं, 12 लाख है, और 12 लाख का 10% 1,20,000 होता है, और अगर हम 5% निकाले तो 60,000 होता है। यानी कि जो हमारे पास आंकड़े 1 लाख थे, 60,000 बच्चे भी क्या हो रहे हैं, बाहर से जो पोल नहीं कर रहे हैं इसको बढ़ाएंगे। कहने का मतलब कि 1.5 लाख बच्चे कितना भी कट पिट कर लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, कितना भी आंकड़ा, कितने अपने अपने दिल को समझाया जाए, यार ये जो आंकड़ा ना मैंने, मेरा कोई आंकड़ा नहीं है, ये सब आपके द्वारा दिया गया है, मेरा कोई संस्थान का नहीं है, सारे संस्थानों का मैं समग्र ले, मैं अपने संस्थान का तो लिया भी नहीं। अभी आप चैनल पे जाओ, कम्युनिटी में जाओ, 5 से 5,500 बच्चे क्या किए हैं उसमें, वो पोल किए हैं, लेकिन मैं उसका आंकड़ा लेके नहीं आया, और वो भी मात्र 10 घंटे में, पिछले 10 घंटे में। ये इनके जिनके आंकड़े मैं दिखा रहा हूं 20,000-15,000, ये 1 सप्ताह के आंकड़े हैं। चैनल पे भी आप जाओगे तो करीबन 5-5,500 बच्चों का पोल है, और मात्र 10 घंटों का पोल है, तो आप उससे समझ सकते हो। लेकिन मैं फिर भी अपना आंकड़ा नहीं लिखा है कि आपको ये ना लगे कि ये हम, मैं क्या हो रहा हूं, पार्शियल हो रहा हूं, बिल्कुल पार्शियल नहीं हो रहा हूं, बस जो सत्य है वही मैं आपको दिखाने का थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है, अभी मैं आपसे पूछूं कि इस बिहाफ पे आप क्या बोलोगे कट ऑफ। अभी कोचिंग संस्थान क्यों मजबूर हो रहे हैं, मैं क्यों मजबूर हो रहा हूं कि मैं, एक तरफ होता है भाई मैं कितना इमोशनली अटैच हूं, लोग, कुछ लोग बोलते हैं 50 से 55 जाएगा, यार कैसे जाएगा यार, मुझे ये बात पचती नहीं है कि 50 से 55 कैसे कट ऑफ चला जाएगा, एग्जैक्टली नहीं जाएगा। अगर आपके 50 से 55 के बीच में स्कोर आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप अपने आप को थोड़ा सा समझाइए। मैं इतना बोल रहा हूं, निराश होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे निराश नहीं होना है। एक पॉइंट आपका जा रहा है क्या, नॉर्मलाइजेशन, क्या पॉइंट जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन, लेकिन अभी इसकी भी चर्चा करेंगे, नॉर्मलाइजेशन पे 2 मिनट एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, हो सकता है 30-35 मिनट की वीडियो हो जाए, लेकिन आप पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 से 55 तो नहीं जा सकता, इतना मिनिमम नहीं जा सकता। जो बच्चे पा रहे होंगे उनके लिए मैं इतना बोलूंगा कि आपको निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि ये कुंभ का मेला नहीं है जो इतने समय बाद आएगा। आपका हर साल पीटी की परीक्षा आएगी और बहुत सारी अन्य भी परीक्षाएं होती हैं, लेकिन यह ज्यादा जरूरी है कि आप भटकाव की स्थिति में अगला 3-4 महीना बर्बाद मत करो, आप और किसी अन्य परीक्षा की अच्छे से तैयारी करो या उसके लिए लगो, ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। 60 से 65 भी कुछ लोग 55 से 60 बोल रहे हैं, मैं उनके लिए भी बोलूंगा, वो भी रिस्की गेम है बच्चों के लिए, तो उनके लिए इससे पहले वाली वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पहले जीएस पढ़ लो, फिर हिंदी पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो, फिर आप ग्रामीण परिवेश वगैरह अगर लेख पढ़ की तैयारी करना चाहते हो तो पढ़ो, ठीक है ना। ये एकदम हम नहीं लेके चलेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कितना जाएगा, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कितना जाएगा। एनालिसिस जो कह रही है, अगर इसके पूरे आंकड़े को लिया जाए तो भैया ये 65 से 70 के बीच में झुकाव इसका जा रहा है, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कट ऑफ ही जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक आंकड़ा मुझसे पूछा जाए ना, तो मैं 66 से 67 बहुत आराम से बोल सकता हूं कि जनरल की कट ऑफ यहां पर जाके अटकेगी। और क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वर्सटिलिटी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है, मैं इसके टॉलरेंस को 2 से 3% बढ़ा दूंगा। टॉलरेंस 2 से 3% मैंने क्यों बढ़ा दिया, उसको मैं आपको समझाता हूं कि जो आपका अगर एक कर्व देखा जाए ना, कर्व देखा जाए कि जो स्टूडेंट की डेंसिटी है, यहां पे अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट कर दें, है ना, यहां पे, हाँ,
यहां पे अगर हम क्या कर दें, मार्क्स कर दें, ये वाला फिगर अगर मार्क्स कर दें और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दें, तो जो हमारा कर्व जाएगा वो कर्व हमारा कुछ ऐसा जाएगा, समझिएगा बात को, ये कर्व हमारा उठते हुए जाएगा। अब इस कर्व का मतलब आप जो समझते हो कि जैसे जैसे हम नंबर पे उठेंगे और अगर हम यहां पे अपना आंकड़ा 60 से और 70 है ना, इसको और बाइफरकेट करो तो ये 60, ये 65 और ये 70, तो इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट डेंसिटी है वो कहां पे होगा, किस मार्क्स पे होगा, 60 से 70 के बीच में होगा या 65 से 70 के बीच में होगा। और इधर का झुकाव ज्यादा होगा, इधर का झुकाव थोड़ा कम भी होगा, ये बात भी आप समझते हुए चलिएगा। ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब आप 60 से 70 के बीच में, ये जो इसलिए मैं बोलता हूं कि 10-10 का डिफरेंस दे रहे हैं, ये गलत दे रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ क्रिस्टल क्लियर हो ही नहीं पाएगा बच्चों का। आपको 50 से नीचे देना ही नहीं चाहिए था, आप सीधा 50 से ऊपर पोल शुरू कराते, 5-5 के डिफरेंस पे करते और फिर आप 70 प्लस कर देते हैं ना, उसमें और थोड़ा ज्यादा वैल्यू कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होता। खैर चलो उसकी बात नहीं करेंगे। इस 60 से 70 में आप देख रहे हो यहां पे, क्योंकि इधर से इधर हमारे पास कितने आंकड़े हैं, अगर लगभग देखा जाए तो मेरे जो मैं कह रहा हूं वो कितना है, 1.5 लाख है, कितने है, 1.5 लाख है। तो यहां से यहां के बीच में मुश्किल से कितना हो जाएंगे, 20 से 30 हजार बच्चे हो जाएंगे, लेकिन 1,20,000 बच्चे ना यहां पे होंगे। 1,20,000 बच्चों को आप सीधा बहुत आराम से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो और 10 नंबर से डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है, मतलब एक एक नंबर पे 12,000 बच्चे बढ़ेंगे। कितने बढ़ रहे, 12,000 बच्चे। इस कारण मैं बोल रहा हूं कि यहां पे अनसर्टेनिटी बहुत है, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत है, जिस कारण से एग्जैक्ट नहीं बता सकते ये तो क्या आयोग कर रहा है। और दूसरी बात एक फिगर आता है नॉर्मलाइजेशन का, मैं इसी बोर्ड पे इसी सीन पे आपको एक नॉर्मलाइजेशन का भी पिक्चर क्लियर करता हूं। जो मैंने यहां पे आपको 66 से 67 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो 66 से कम पा रहे हैं वो बाहर है, बिल्कुल नहीं है। पहले तो प्लस माइनस में 2-3 का क्या ले रहा हूं, टॉलरेंस ले रहा हूं, प्लस माइनस 2-3 मतलब 66 से 2 कितना हो सकता है, 64 भी हो सकता है और 70 भी हो सकता है। तो यहां पे 64 से 70 आराम से आपका जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी एग्जैक्ट यहां पे 66 और ऑब्लिक 70 लगाया हूं, 67 लगाया हूं, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन एक फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन जिसकी विद्या आज तक कोई नहीं समझ पाए, और यहां पे क्योंकि 2 शिफ्ट में हुआ था, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, क्योंकि हमेशा से इतिहास गवाह है कि फर्स्ट शिफ्ट के मार्क्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन में, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बट फर्क पड़ेगा। और वो फर्क जिनके 61, 62, 63 भी आ रहे हैं, वो पूरा आप होपफुल रहो कि आपके चांसेस स्टिल मिल सकते हैं। ये रॉ मार्क्स के कैलकुलेशन है, ये आपके कहीं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के कैलकुलेशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ये सारा प्रेडिक्शन गलत कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्मलाइजेशन इसे 55 पे भी ले जा सकता है, नॉर्मलाइजेशन इसे 75 पार भी करा सकता है, ये बात भी है। ये नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर करते हैं, कैसे करते हैं, यहां पर आप समझिएगा। इसके लिए मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि इसके लिए पूर्वाग्रह आप मत करिएगा कि मेरा ये रॉ मार्क्स का मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूं। दूसरी बात, ये जो मैं कट ऑफ बोल रहा हूं, ये जनरल का बोल रहा हूं, यहां पे अन्य भी कैटेगरी आती हैं, जैसे ओबीसी हो गए, जैसे एससी हो गए, जैसे एसटी हो गए, या आपका ईडब्ल्यूएस भी हो जाता है, ठीक है ना। अभी यहां पे क्योंकि अग्निस्थ की बहुत सारी परीक्षाओं में, और जब ज्यादा संख्या होते हैं तो इनमें बहुत ज्यादा टॉलरेंस नहीं होता है, 2-2, 3-3 नंबर कई परीक्षाओं में ऐसा देखा गया है बराबर रहा है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी जनरल का बराबर रहा है या जनरल ओबीसी का कई बार बराबर रहा है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, 1-1, 2-2 नंबर का आएगा। यहां पर एससी एसटी तक पहुंचने में 5-6 नंबर का फर्क आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तो आप उस हिसाब से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो आपके द्वारा बताए गए आंकड़े जो कहते हैं वो आपके सामने है, यहां से क्रिस्टल क्लियर हो जाइए और अब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आगे बढ़ाइए। जो इसके ऊपर पार है वो तो बहुत 100% श्योर है कि अब इससे ज्यादा भी नहीं होगा, क्योंकि 1.5 लाख मैंने साफ साफ निकाल दिया है, कितना भी जाएंगे तो उतना नहीं जाएंगे, बात समझ में आ रहा है। ये आंकड़ा थोड़ा कम भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूं, बिल्कुल हो सकता है, ये आप अपने बुद्धि विवेक से समझ भी सकते हो। लेकिन जो ऐसे पा रहे हैं 65-66 के आसपास, वो अपनी तैयारी बहुत तेजी से करें, और जो उनसे बिलो है वो थोड़ा सोच समझ के पहले जीएस हिंदी और मैथ्स पढ़ें ताकि उनके साथ गलत ना हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।